हे गाइस, वेलकम बैक टू कार केमिस्ट्री। तो गाइस, ये है बिंदल हुंडई का चंपावत आउटलेट और यहाँ पे आपको जो स्टाफ है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वो आपको प्रॉपरली जो है गाइड करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इंडियाज मोस्ट फीचर रिच प्रीमियम हैचबैक न्यू I20 एस्टा ऑप्शनल वेरियंट विच कम्स विद सनरूफ। तो गाइस, यहाँ पे आपको जो है बोस का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एम्बियंट लाइट्स मिल आती है प्री इंस्टॉल्ड, और गाइज यहाँ पे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें ऑफर की जाती है, जिसकी हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और बाहर से ही गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कूलिंग का फंक्शन भी मिल जाएगा, प्री कूल अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और प्री हीट भी आप गाड़ी को कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पे आपको 11 लाख ऑन रोड प्राइस में ये चंपावत आउटलेट में अभी अवेलेबल है, जिसमें आपको 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप 3 साल की, 4 साल की या फिर 5 साल की वंडर वारंटी आप ले सकते हैं। वारंटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें आपके जितने भी सारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सभी कवर हो जाते हैं, और इंश्योरेंस भी आप ले लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है आपके जो नॉन मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सभी कवर अप हो जाएंगे, जैसे कि ये बोनट हो गया, डोर के पार्ट्स हो गए, और जो भी नॉन मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो सभी इसमें आपके कवर हो जाएंगे। गाइस, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 3 साल की रोड साइड असिस्टेंस भी आपको फ्री मिल जाती है। अगर बाय चांस आपका कहीं पे रोड पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो ह्यूंडई की टीम आपको वहां से आपकी गाड़ी को पिकअप कर लेगी और सर्विस सेंटर में आपको पहुंचा देगी। और साथ ही साथ आपको 3 साल की जो है ब्लू लिंक का सब्सक्रिप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। ब्लू लिंक इज बेसिकली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इनबिल्ट सिम कार्ड फॉर 24/7 कॉल सेंटर्स, जिसमें आप सेफ और काफी ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। गाइज, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे भी ऐसे कंटेंट देखने के लिए। और गाइज, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको 100 केजी जो है वेट रिड्यूस किया गया है फॉर माइलेज इश्यूज, क्योंकि जो प्रीवियस जनरेशन I20 का था उसमें माइलेज के काफी इश्यूज आ रहे थे। दैट इज अ स्मार्ट मूव। अब स्मार्ट मूव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है काफी रिजिड मिल जाता है, जिसमें आपको 66% एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज भी किया गया है। गाड़ी का लुक काफी अट्रैक्टिव आ रहा है, जैसे कि इसकी टैगलाइन है बॉर्न मैग्नेटिक, तो गाड़ी काफी अट्रैक्टिव और अपीलिंग फ्रंट लुक से आपको मिल जाती है। तो गाइज, बात करें अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की तो इट लुक्स वेरी स्ट्राइकिंग एंड स्पोर्टी। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा क्रीजेस का यूज मिल जाएगा, क्रीजेस और लाइंस का साइड प्रोफाइल में भी और फ्रंट प्रोफाइल में भी, तो ये काफी स्पोर्टी आपको लुक यहाँ पे दे रही है। अगर ग्रिल की हम बात करें तो यहाँ पे आपको पैरामेट्रिक ग्रिल मिल जाएगी, जिसमें आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट दिया गया है, और मेन लाइट आपको जो है प्रोजेक्टर में अवेलेबल कराई गई है विद कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन एंड ऑटो हेडलैम्प फंक्शन। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट के जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन में दिए गए हैं, और जो फॉग लैम्प है वो आपको हेलोजन में दिए गए हैं। दैट इज अ प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फॉग लैम्प का मेन फंक्शन होता है वो होता है जब फॉगी वेदर होता है आपका, तो जो ये इसकी लाइट है वो फॉग को बिल्कुल क्लियर कर देती है। वहीं जो LED फॉग लैम्प्स होते हैं वो आपके पास वापस स्ट्राइक होके आते हैं, जिससे आपको विजिबिलिटी का इश्यू बन जाता है। गाइस, सीधे चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो फोल्डेबल ORVMs विद पडल लैम्प्स, तो रात को काफी कन्वीनियंट आपको इसमें फील होगा, और साइड से गाड़ी का काफी बढ़िया और स्पोर्टी लुक आ रहा है। टायर साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको R16 इंचेस के एलॉयज व्हील मिल जाते हैं, 195/55 R16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वरना में भी कुछ ऐसे ही एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। और सीधे चले बैक की ओर तो यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास भी अवेलेबल कराया गया है फॉर विजिबिलिटी इशू, और अंदर से काफी कैबिन इसमें रूमी आपको फील होगा। यहाँ पे आपको बैक प्रोफाइल में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, और
यहाँ पे आपको डिफॉगर भी मिल जाएगा और वाइपर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। उसी के नीचे आपको हुंडई की बैजिंग मिल जाएगी और i20 की बैजिंग और एस्टा की बैजिंग। एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट है ये, बट एस्टा ऑप्शनल की बैजिंग यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है। बाकी आपको यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और लाइसेंस प्लेट में आपको हेलोजन बल्ब मिल जाते हैं और यहाँ पे बैक कैमरा भी आपको अवेलेबल कराया गया है और पीछे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाती है, आगे भी आपको स्किड प्लेट मिल जाती है और साइड में भी आपको i20 की ब्रांडिंग के साथ स्किड प्लेट मिल जाती है, जिससे काफी गाड़ी जो है स्पोर्टी लग रही है और ओवरऑल लुक की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ लुक आ जा रहा है। और गाइस बात करें ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप बिना की के गाड़ी में एंटर कर सकते हैं। डोर ट्रिम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाएगा आपका जो ग्लास एरिया, आप इससे कंट्रोल करेंगे सिर्फ ड्राइवर साइड वाला, और बाकी नॉन इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं इन प्लास्टिक, और यहाँ पे थोड़ा कॉइन्स के लिए स्पेस है और एक एक लीटर बोतल आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोस के प्रीमियम साउंड के स्पीकर्स मिल जाएंगे, इस बटन की हेल्प से आप जो है चाइल्ड लॉक का बटन है ये एक्टिवेट कर सकते हैं। पीछे के जो भी ग्लास एरिया है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं और इस बटन की हेल्प से आप अपने जो है ऑटो फोल्डेबल मिरर्स ORVM है उनको कंट्रोल कर सकते हैं और गाड़ी को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। और बात करें अगर सीट के एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको जो है हाइट एडजस्टमेंट का फीचर इसमें दिया गया है, पीछे बैक सपोर्ट का एडजस्टमेंट दिया गया है और यहाँ पे एक लीवर की हेल्प से आप गाड़ी की जो ड्राइवर सीट्स हैं उनको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स है तो 3 पेडल्स आपको मिल जाते हैं। ये बटन आपको हेडलाइट लेवलर का मिल जाता है, ये DRVM का बटन है ड्राइवर रियर व्यू मिरर का, और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी एक डेडिकेटेड आपको एक बटन मिल जाता है। उसी के ऊपर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। ये AC के वेंट्स हैं, काफी स्पोर्टी लुक आ रहा है। और यहाँ पे स्टेयरिंग की अगर हम बात करें तो आपको जो है लेफ्ट साइड आपको वॉइस कमांड्स मिल जाते हैं, मोड्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, मोड से आप पर्टिकुलरली FM रेडियो चलाना चाहते हैं या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करना चाहते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक चेंज कर सकते हैं और इस बटन से कॉल पिकअप कर सकते हैं, इससे कट कर सकते हैं। बीच में हॉर्न मिल जाएगा, हुंडई का लोगो मिल जाएगा और इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल के कमांड मिल जाएंगे और MID के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड वहीं पर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का ऑप्शन इसमें दिया गया है और राइट साइड आपको वहीं वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। बीच में आपको यहाँ पे MID मिल जाती है, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर सभी डिजिटल फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ इस बटन की हेल्प से आप MID कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपको टायर प्रेशर आपको दिखा देगा और फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और ये एक कंपास वाला लोगो आपको इसमें अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको जो है मैनुअल आपको DN Night इनसाइड रियर व्यू अवेलेबल कराया गया है, ऑटोमेटिक का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है और यहाँ पे SOS के कंट्रोल्स हैं, ये आपका RSA के कंट्रोल हैं और यहाँ पे ब्लू लिंक के कंट्रोल आपको इसमें इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। गाइज बात करें अगर इसके टच स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपको 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, SD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट एंड नेविगेशन सिस्टम के साथ आती है और ब्लू लिंक इसमें इक्विप्ड दिया गया है विद ऑन बोर्ड नेविगेशन। देख सकते हैं आप स्मार्टफोन आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं Apple CarPlay एंड Android ऑटो। यहाँ पे आपको साउंड के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के कंट्रोल मिल जाएंगे, डिवाइस कनेक्शन, व्हीकल नेविगेशन, डिस्प्ले बटन, जनरल एंड ब्लू लिंक के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लाइमेट के, लाइट्स के, डोर्स में ऑटो अनलॉक, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑटो अनलॉक को जो है ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और बाकी इसमें सर्विस इंटरवल कितना है, आपको आपकी गाड़ी के जितने भी तमाम फीचर्स हैं वो आपको सारे ही इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी टच इसका काफी बढ़िया है और स्क्रीन भी काफी बड़ी है, तो
इजी टू यूज स्क्रीन आपकी ये बन जाती है। उसी के नीचे आपको हैजार्ड लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और एसी के वेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल कराया गया है जिसकी मार्किंग 17 लोएस्ट है और 27 जो है हाईएस्ट है। और यहाँ पे रियर के लिए अगर आप डेडिकेट करना चाहते हैं अपना एसी तो इस बटन की हेल्प से कर सकते हैं, फ्रंट के लिए इस बटन की हेल्प से, और ऑटोमेटिक एसी अगर चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के नीचे आपको यूएसबी का एक पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है और एक यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए एक और सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। नीचे आपको वायरलेस अगर फोन आपका सपोर्ट करता है तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये मैनुअल वाला ऑप्शन है तो 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिल जाएगा और एक रियर का रिवर्स का इसमें गियर अवेलेबल कराया गया है। यहाँ पे आपको कुछ कप होल्डर्स की स्पेस है और आपको यहाँ पे जो ऑक्सीबूस्ट एयर प्यूरिफायर है वो भी आपको दिया गया है। इट मेंटेन्स अ हेल्दी एनवायरमेंट इनसाइड द केबिन, तो ये भी एक काफी बढ़िया फीचर है इस सेगमेंट में, सिर्फ इस गाड़ी में आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी इस यहाँ पे क्रीज लाइंस जो है पूरी कॉर्नर तक जाती हैं और एसी वेंट के साथ जो है इंटीग्रेट हो जाती हैं। एसी वेंट काफी स्पोर्टी लगते हैं इसमें और इसमें आपको 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए गए हैं। को ड्राइवर्स वाले डोर में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉइन्स के लिए स्पेस मिल जाएगा, यहाँ से आप ग्लास एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं और नीचे आपको 1 लीटर बोतल होल्डिंग का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड एम्बिएंट लाइटिंग्स भी मिल जाती है, यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है और ड्राइवर साइड यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है और कॉइन्स वाले स्पेस में भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ ओवरऑल लुक आ रहा है गाड़ी के इंटीरियर का। और बात करें अगर ग्रैब हैंडल्स की तो ड्राइवर साइड छोड़ के तीनों ही साइड आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। और एक बात और, यहाँ पे आपको जो आर्म रेस्ट है वो स्लाइडिंग वाला दिया गया है, तो जो कम हाइट के ड्राइवर्स हैं वो इसको स्लाइड करके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, काफी डीप है तो इसमें भी आप अपना वॉलेट वगैरह जो है रख सकते हैं। बात करें अगर इसके ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स एवरेज स्पेस आपको इसमें मिल जाता है और कूलिंग का फंक्शन भी आपको इसमें अवेलेबल कराया गया है, यहाँ पे इसकी यूजर मैनुअल दी गई है आपको। और इस साइड अगर हम बात करें तो सनशेड में सिर्फ आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा और बीच में आपको इसमें लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा स्लो ओपनिंग के साथ और पीछे भी आपको इसमें हेलोजन लाइट्स दी गई हैं और इस बटन की हेल्प से आप अपनी सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। वन टच ओपनिंग का फंक्शन इसमें दिया गया है और वन टच क्लोजिंग का फंक्शन भी इसमें आपको ऑफर किया गया है, ये आपको खुद ही मैन्युअली ऐसे बंद करना पड़ेगा। तो ये कुछ है इंटीरियर का लुक। और सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो सीट कंफर्ट जो है बेस मॉडल से सेम आता है और थाई सपोर्ट काफी ज्यादा लाजवाब है गाड़ी का और लेग स्पेस भी एम्पल अमाउंट का इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। साइड कुशनिंग भी काफी बढ़िया है गाड़ी की, जिससे कि जो है अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं फास्ट तो वहां पे आप किसी भी साइड को टिल्ट नहीं होने वाले हैं। तो हमने फ्रंट प्रोफाइल में सब कुछ कवर कर लिया है, अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में, देखते हैं वहां आपको क्या क्या i20 में एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में ऑफर किया गया है। गाइज अब हम आ चुके हैं i20 एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट के रियर प्रोफाइल में। रियर से फ्रंट का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, काफी एलिगेंट लुक इसमें पीछे से आपको फ्रंट के मिल जाते हैं और फिट एंड फिनिश काफी बढ़िया आपको हुंडई की कार्स में मिल जाती है। बात करें अगर इसके डोर ट्रिम की, रियर डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे आपको डोर ओपनिंग का एक लीवर मिल जाता है, यहाँ पे आप ग्लास एरिया कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन से और यहाँ पे कॉइन्स के लिए आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। नीचे आपको 1 लीटर बोतल होल्ड करने का स्पेस मिल जाएगा विद नो इल्यूमिनेशन, फ्रंट में आपको इल्यूमिनेशन का फंक्शन मिल जाता है और थोड़ा सा स्पेस मैगजीन होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बोस के
स्पीकर्स भी आपको रियर में मिल जाएंगे और टोटल इसमें 7 स्पीकर सिस्टम आता है, बोस का प्रीमियम स्पीकर। और सीट्स की अगर मैं बात करूं रियर में तो थाई सपोर्ट काफी बढ़िया है, बिल्कुल भी थोड़ी सी भी गैपिंग नहीं है और लेग स्पेस भी काफी ज्यादा मैसिव है। इंटीरियर में आपको कोई भी कमी स्पेस वाइज नहीं होने वाली है, मेरी हाइट 5'10" है, उस हिसाब से मुझे काफी बढ़िया इसमें स्पेस मिल जाता है। यहीं पे आपको रियर एसी भी अवेलेबल कराया गया है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना विंड का थ्रो, और नीचे आपको फोन होल्ड करने के लिए स्पेस भी दिया गया है, और वहीं नीचे चार्जिंग का एक पोर्ट भी मिल जाता है विद इल्यूमिनेशन। और बात करें अगर इसके हेडरेस्ट की तो फ्रंट के हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और यहाँ पे आपको फ्रंट सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया गया है। सेफ्टी के लिहाज से आपको इसमें 6 एयरबैग्स भी ऑफर किए गए हैं और यहाँ पे प्रीमियम बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, 7 स्पीकर्स आपको इसमें टोटल अवेलेबल कराए गए हैं। पीछे के हेडरेस्ट भी इसमें स्लाइडिंग वाले आपको प्रोवाइड किए गए हैं, बीच में कोई भी हेडरेस्ट नहीं है। और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स के साथ ये गाड़ी आती है और बीच में आपको हैंडरेस्ट मिल जाएगा विद नो कप होल्डर। तो गाइस ये कुछ है पीछे रियर सीट्स में आई20 एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस चेकआउट करते हैं और देखते हैं वहां आपको क्या क्या ऑफर किया गया है। गाइज अगर आपको बूट ओपन करना है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, ये उसी के नीचे इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है जिसके ऊपर भी आप अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो 311 लीटर्स का इसमें मैसिव बूट स्पेस दिया गया है। ये कुछ एसेसरीज कस्टमर ने ऑर्डर करी थी तो वो एसेसरी है, बूट मैट भी आपको इसमें एज ए एसेसरी आपको इसमें ऑफर कर दी जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके स्पेयर टायर की तो यहाँ पे आपको R15 इंचेस का नॉर्मल टायर आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे 2 लीवर की हेल्प से आप इसको फुल बेंच फोल्ड भी कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे आपको दोनों ही की स्मार्ट की मिल जाती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए होल्ड का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे इस बटन की हेल्प से अगर होल्ड करेंगे तो पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी आपको मिल नहीं रही है तो इस बटन की हेल्प से आप कन्वीनियंटली अपनी गाड़ी को ढूंढ पाएंगे। तो 4 बटन्स मिल जाते हैं और ऑटो फोल्डेबल इसमें ORVMs मिल जाते हैं, गाड़ी अनलॉक करने के बाद ये अपने आप ऑटो फोल्ड ऑटो ओपन हो जाएंगे। सो गाइज दिस इज द इंजन बे कंपार्टमेंट ऑफ Hyundai i20 एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट, जहां पे आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा पेट्रोल में, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पे अभी, जिसमें आपको 83 bhp की पावर मिल जाती है और 5 स्पीड का मैनुअल इसमें ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है। और यहीं पे आपको 114 न्यूटन मीटर का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। दूसरा आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा CVT गियरबॉक्स का जिसमें आपको 87 bhp की हॉर्स पावर आपको गाड़ी निकाल के दे देगी। ये जो करेंटली आपको मैं जो वर्जन शो कर रहा हूं इसमें आपको 21 kmpl की आपको इसमें माइलेज आपको मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपको इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल DCT टर्बो इंजन मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 सिलेंडर का टर्बो इंजन मिल जाएगा जिसमें आपको 118 bhp की हॉर्स पावर मिल जाएगी और 170 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क इसमें अवेलेबल हो जाएगा, जो आपको 6 स्पीड IMT गियरबॉक्स के साथ और DCT के साथ आपको मिल जाएगा, जो आपको 20.25 kmpl की बढ़िया माइलेज आपको निकाल के दे देगा। और लास्ट आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी आपको इसमें मिल जाएगा, जो 99 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क आपको निकाल के दे देगा। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होगा और 25.20 kmpl की बेहतरीन माइलेज आपको डीजल इंजन में मिल जाएगी। तो गाइज ये कुछ था आज का ओवरऑल मोस्ट डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ i20 एस्ट्रा ऑप्शनल वेरिएंट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना हो चंपावत आउटलेट से तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके कॉन्टेक्ट के डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।